मैट्रिक परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। जिले में मैट्रिक के परीक्षार्थियों की अगर बात की जाए तो परीक्षार्थियों के लिए 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच ही परीक्षा ली जाएगी। इस बार मैट्रिक परीक्षा में 31,192 अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। परीक्षार्थियों को आधे घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। देरी से आने से परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज मैट्रिक की परीक्षा है और साथ ही गणित की परीक्षा है। आज से कड़ी सुरक्षा के बीच में ये मैट्रिक की परीक्षा होगी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बांका जिले में बनाए गए हैं 36 परीक्षा केंद्र। सभी परीक्षार्थी समय पर पहुँचे, और चूंकि जो जानकारी आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अगर परीक्षार्थी समय पर नहीं पहुंचते तो उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी अंदर जाने की। सीसीटीवी के जरिए नजर भी रखी जाएगी ताकि नकल मुक्त जो परीक्षा है वो हो सके।